मेरा नाम है मीनू, बताने जा रही हूँ नए साल पर लगाएं ये पौधे, होगी खुशियों की भरमार। आधुनिक समय में वास्तु का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। लोग वास्तु के उपायों को अपनाकर खुशहाल जीवन यापन कर रहे हैं। घर की शांति, नजर दोष, विवाह में देरी आदि समस्याओं के समाधान के लिए वास्तु के उपायों को अपना सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर में कुछ पौधों का रोपण करवाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। इसीलिए नए साल पर घर में इन पौधों का रोपण करने से खुशियों की भरमार होगी। जानिए घर में किन पौधों का रोपण करना शुभ होता है। विवाह में आ रही रुकावट या घर की सुख शांति को बरकरार रखने के लिए घर के पिछले भाग में केले का पौधा लगाना चाहिए। प्रतिदिन इस केले के पौधे की पूजा करने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। घर में हरसिंगार का पौधा लगाना शुभ होता है। इस पौधे की सुगंध से घर का वातावरण शुद्ध होता है और मानसिक शांति मिलती है। इस पौधे को घर के मध्य या पीछे लगाना चाहिए। तुलसी एक पवित्र पौधा है, इसमें औषधीय गुण भी होते हैं। घर में इस पौधे को लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। प्रतिदिन तुलसी के आगे ज्योत प्रज्वलित करने से शुक्र ग्रह बलवान बनता है। घर में अनार का पौधा लगाने से राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव, तंत्र मंत्र आदि के प्रभाव कम होते हैं। यदि अनार के फूल को शहद में डुबोकर हर सोमवार भगवान शिव को अर्पित करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। शमी का पौधा घर में लगाने से शनि देव के क्रोध से बचा जा सकता है। प्रतिदिन इस पेड़ की पूजा करनी चाहिए। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के बाईं ओर शमी का पौधा लगाकर नियमित सरसों के तेल का ज्योत प्रज्वलित करें। गुलहड़ के पौधे का संबंध सूर्य और मंगल ग्रह से होता है। हनुमान जी को गुलहड़ का फूल अर्पित करने से मंगल ग्रह प्रसन्न होता है। प्रतिदिन पूजा करने से पारिवारिक सदस्यों के यश में वृद्धि होती है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।